हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 17 ईयर ओल्ड का डाइट चार्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मंडे में जो हम ब्रेकफास्ट लेंगे वो है आपको डोसा लेना है, और ट्यूसडे को आप इडली ले सकते हैं कोकोनट चटनी के साथ, वेंसडे को आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, थर्सडे को बेसन चीला ले लीजिए, फ्राइडे को आलू का पराठा ले लीजिए कर्ड के साथ, मैं यहाँ पे कर्ड लिखना भूल गई, और सैटरडे को पनीर पराठा ले लीजिए चटनी के साथ, संडे को हम लेंगे आलू सैंडविच चटनी के साथ। अब आते हैं मिड मॉर्निंग में। तो मिड मॉर्निंग में अगर आपके पास अवेलेबल है कोई भी सीजनल फ्रूट तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप बटर मिल्क ले सकते हैं, कोई भी सैलड बना के ले सकते हैं। लंच की बात करते हैं तो लंच में मसूर दाल ले लीजिए राइस के साथ, लौकी की सब्ज़ी और रोटी, ये हमारी पूरी एक बैलेंस डाइट थाली हो जाती है। राजमा राइस ले लीजिए, उसके साथ आप रोटी लेना चाहते हैं रोटी ले लीजिए, छोले प्लस राइस ले लीजिए वेंसडे को, थर्सडे को कड़ी राइस ले लीजिए, और फिर उसके बाद फ्राइडे को काले चने की सब्ज़ी और रोटी ले लीजिए, सैटरडे को सोयाबीन आलू प्लस कड़ी ले लीजिए। यहाँ पे मेरी बेटी ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, तो हम बात कर रहे थे फ्राइडे को काले चने की सब्ज़ी ले लीजिए राइस और रोटी के साथ, और फिर आप सैटरडे को लीजिए सोयाबीन आलू करी प्लस राइस या रोटी। संडे को हम बात करेंगे तो हम लेंगे पनीर ग्रेवी रोटी के साथ या राइस के साथ। अब आते हैं इवनिंग स्नैक्स पे।